सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय अदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ऐसे बींग्स की जिनके पावर लेवल्स का मुकाबला कोई भी बींग नहीं कर सकता है। दो ऐसे बींग्स जिनको हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। सो पहला है वो कैरेक्टर जिसने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को सिर्फ एक चुटकी में खत्म कर दिया था, यानी कि थैनोस। और उसका अपोनेंट है वो कैरेक्टर जिसने अपने बॉडी के साथ चक्रास पे कंट्रोल पा लिया था, यानी कि शक्तिमान। तो हु विल विन बिटवीन दीज टू पावरफुल कैरेक्टर्स? सो इसी का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो मैं आपको दोनों के पावर लेवल्स के बारे में बताऊंगा और आप भी डिसाइड करिएगा कि हु विल विन। सो स्टार्ट करते हैं और पहला होगा थैनोस। तो हम लोग पहले थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बात करते हैं कि उसका हर एक इन्फिनिटी स्टोन कितना पावरफुल है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो बिना इन्फिनिटी स्टोन के कितना पावरफुल है। तो हम लोग पहले बात करते हैं स्पेस स्टोन की। सो बेसिकली ये स्टोन पहले टेजरेक्ट के रूप में था, और जब ये थैनोस के हाथ लगा तो थैनोस ने इसका बहुत ही अच्छा यूज किया था। बेसिकली इस स्टोन का काम है स्पेस को कंट्रोल करना। इस स्टोन की मदद से खुद को या किसी और को कहीं भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है पूरे यूनिवर्स में। सो ये स्टोन किसी भी बींग को बहुत ही फास्ट टेलीपोर्ट कर सकता है, जिसकी मदद से कोई भी बींग बहुत ही फास्ट ट्रेवल कर सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पूरे यूनिवर्स में। सो उसके बाद आता है रियलिटी स्टोन। सो पहले तो मूवीज में ये स्टोन एक लिक्विड के फॉर्म में था, लेकिन बाद में ये स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस स्टोन की मदद से रियलिटी को चेंज किया जा सकता है, मतलब किसी को भी एक फेक रियलिटी दिखा के उसको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो उसके बाद आता है पावर स्टोन। पावर स्टोन को अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये स्टोन उसके यूजर की फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को बढ़ा सकता है, और पावर स्टोन को अगर दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी यूज किया जाए तो वो उनकी पावर भी बढ़ा देता है। बेसिकली ये स्टोन इतना पावरफुल है कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये प्लैनेट्स को भी एक झटके में खत्म कर सकता है। तो उसके बाद आता है माइंड स्टोन। माइंड स्टोन बेसिकली एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह है जो किसी का माइंड कंट्रोल भी कर सकता है और खराब भी कर सकता है, और ये स्टोन दूसरों को पावर्स भी प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि जो वांडा मैक्सिमॉफ है जिसको हम लोग स्कारलेट विच के नाम से जानते हैं, और उसका भाई जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर चुका था, उनको इसी स्टोन से पावर्स मिली थी, और अल्ट्रॉन और विजन भी इसी स्टोन की वजह से पैदा हुए थे। बेसिकली इस स्टोन के पास अपना खुद का एक दिमाग है जो कि अगर बुरे हाथों में पड़ जाए तो बहुत ही तबाही मचा सकता है। इसके बाद आता है टाइम स्टोन। सो टाइम स्टोन के बारे में मुझे तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि टाइम स्टोन से हम लोग टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। हम फ्यूचर भी देख सकते हैं और पास्ट में भी देख सकते हैं, और उनको अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं, और इस स्टोन की मदद से टाइम लूप भी क्रिएट कर सकते हैं। जो आखिरी स्टोन है वो है सोल स्टोन। इस स्टोन की मदद से किसी की भी आत्मा को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि मरे हुए लोगों को जिंदा करना और जिंदा लोगों को मारना। इस स्टोन का यूज बहुत ही कम हुआ है सारी मूवीज में। इस स्टोन की मदद से बेसिकली किसी की भी सोल को उसके शरीर से अलग किया जा सकता है। सो ये स्टोन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन थैनोस ने इसका ज्यादा यूज नहीं किया था, और इसका ज्यादा यूज हम लोग को कहीं दिखाया भी नहीं गया है। क्या पता आगे आने वाली मूवीज में इसका यूज दिखाएं। सो ये तो हमने बात कर ली सारे स्टोन्स के पावर्स की। सो अब हम लोग बात करते हैं कि सारे स्टोन्स मिलके क्या कर सकते हैं। सो अगर इन स्टोन्स को मिलाकर यूज किया जाए तो एक चुटकी में आधा यूनिवर्स खत्म हो सकता है, और अगर इसका यूजर थैनोस जितना इंटेलिजेंट और पावरफुल ना हो तब तो उसको यूज करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि थैनोस को इन सारे स्टोन्स को अच्छे से यूज करना आता था। सो इन स्टोन्स के साथ तो थैनोस को हराना लगभग इम्पॉसिबल है, और अगर हम लोग इन्फिनिटी स्टोन्स को हटा दें तब भी थैनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, एंड्योरेंस एंड सुपर इंटेलेक्ट, जिससे उसको बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो लेट्स जंप ऑन आवर सेकंड कैरेक्टर जो कि है शक्तिमान। तो शक्तिमान को उसकी सारी पावर्स द
द सेवन चक्रास से मिलती हैं, जो कि उसकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हैं। सो हम लोग जानते हैं उन सेवन चक्रास के बारे में। तो जो पहला चक्र शक्तिमान के पास आता है वो है एनर्जी चक्र। सो एनर्जी चक्र शक्तिमान को सुपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इससे उसको फ्लाइट की एबिलिटीज भी मिलती है, एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस करने की पावर्स भी मिलती है, और अपनी फिंगर्स से लेजर बीम प्रोड्यूस करने की पावर्स भी मिलती हैं। सो उस बीम से तो शक्तिमान किसी को भी जला के राख कर सकता है, और इसके अलावा एनर्जी चक्रा से शक्तिमान फोर्स फील्ड्स भी क्रिएट कर सकता है, जिससे वो अपने आप को किसी भी पावरफुल अटैक से प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके बाद आता है क्रिएटिव चक्रा। सो इस चक्रा की मदद से शक्तिमान किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ अपने माइंड से ही क्रिएट कर सकता है, जिसकी मदद से वो ह्यूमन सेल्स को भी क्रिएट कर सकता है, और इसके अलावा वो किसी के माइंड को भी मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से। इसके बाद आता है एस्ट्रल चक्रा। तो इस चक्र की हेल्प से शक्तिमान अपनी बॉडी को डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकता है और सारी बॉडीज को एक ही टाइम में कंट्रोल कर सकता है, और इस चक्र की मदद से शक्तिमान दीवारों पे चल भी सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर देख सकता है उसको बिना खोले। इसके बाद जो चक्र आता है वो है हार्ट चक्र। इस चक्र की मदद से शक्तिमान दूसरों के थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब जो दूसरों के दिमाग में चल रहा है उसको बदल सकता है। इस चक्र की मदद से शक्तिमान किसी भी टाइप के पोजीशन को भी ब्रेक कर सकता है। उसके बाद आता है वाइब्रेशन चक्र। इस चक्र की मदद से शक्तिमान किसी भी तरह की वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर सकता है और टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, और अपने आप को इस चक्र की मदद से हील भी कर सकता है। इसके बाद जो चक्र आता है वो है साइकिक चक्र। इस चक्र की हेल्प से शक्तिमान दूसरों का माइंड रीड कर सकता है, उनके बारे में सिर्फ उनको एक बार देखते ही पहचान सकता है और उनको पढ़ लेता है, और इसके साथ वो पूरी दुनिया में कहीं भी देख सकता है कि कहां पर क्या हो रहा है, और इस चक्र की मदद से शक्तिमान को पहले ही पता चल जाता है आगे आने वाले डेंजर के बारे में। इसके बाद जो चक्र आता है वो है रूट चक्र। रूट चक्र की हेल्प से शक्तिमान बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा रह सकता है। इस चक्र की हेल्प से शक्तिमान अपने साइज को बड़ा छोटा भी कर सकता है। ये तो हमने बात कर ली शक्तिमान के चक्रास की, लेकिन जो उसकी सबसे ताकतवर पावर्स में से एक है वो है अपने शरीर से अपने एलिमेंट्स को अलग कर लेना, और ये पावर उसको इन्फिनिटी स्टोन के बराबर ला के खड़ा कर देती है। और एक और पावर जो उसको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है कि वो है कि शक्तिमान जो सोच सकता है वो कर सकता है। बेसिकली उसकी पावर्स लिमिटलेस हैं, उसकी पावर्स का कोई अंत ही नहीं है। सो अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। जहां थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हैं जो कि यूनिवर्स को ख़त्म कर सकते हैं, तो वहीं शक्तिमान एक चलता फिरता इन्फिनिटी स्टोन्स है। तो अब अगर मैं दोनों के फेवर में एक एक पॉइंट ऐड करूं, तो जो शक्तिमान को सबसे ज्यादा फेवर करेगी फाइट में वो है उसके एलिमेंट्स पे काबू करने की शक्ति। सो इस पावर की मदद से वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकता है थैनोस को। और जो थैनोस के फेवर में है वो है उसका सुपर इंटेलेक्ट लेवल। वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो आसानी से जान जाएगा शक्तिमान की वीकनेस को, और वो है पार्क मनी, जिसकी मदद से शक्तिमान को मारा भी जा सकता है। तो ये तो सिर्फ मेरा एक ओपिनियन था। अगर आप चाहें तो आप भी कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, किसी भी कैरेक्टर को हेट मत दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। सो या फ्रेंड्स, दिस इज कंप्लीट वीडियो। होप यू लाइक दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।